देखिएगा, अब मैं दूसरी वीडियो में अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला हूँ। आपको इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन बनाने के लिए नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल और मैट्रिक्स मिनिमा रूल सिखाए गए थे, वॉगल मेथड सिखाया गया था। देखिएगा, क्वेश्चन की शुरुआत जब भी करनी है वैम मेथड से करनी है, क्योंकि वैम मेथड जो है आपको ऑप्टिमल सॉल्यूशन के बहुत पास लेकर के जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वैम मेथड से क्वेश्चन नहीं करेंगे तो क्वेश्चन नहीं होगा, क्वेश्चन तो होगा। देखो, क्वेश्चन का तो आंसर आना है, बस होता क्या है, वैम मेथड से अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो वो जल्दी हो जाता है, और किसी और मेथड से सॉल्व करते हैं तो वो देर से होता है। अब देखिएगा, आपके सामने मैं ऐसा क्वेश्चन लेके आने वाला हूँ जो जल्दी नहीं देर से सॉल्व होगा। ध्यान रखना, क्वेश्चन को सीखने के लिए जरूरी है कि आप ये सोच करके चलें कि क्वेश्चन जल्दी से ना हो करके देर से हो। अगर आप क्वेश्चन करते समय गलती कर देते हैं तो आपको सीखने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अगर आप पहली बार ही क्वेश्चन बिल्कुल सही कर देंगे तो सीखने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। अब मैं देखेगा, इसका इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन में नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल से निकाल रहा हूं। ध्यान से, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल से निकाल रहा हूं, जो कि मुझे आंसर से बहुत दूर लेकर के आएगा। तो इस प्रॉब्लम के ऑप्टिमल सॉल्यूशन को ले जाने में मुझे बहुत सी मेहनत करनी पड़ेगी। ये मैं इसलिए सिखा रहा हूं जिससे कि आपके दिमाग में ये बात बैठ सके कि सॉल्यूशन को लास्ट तक आना ही है। अब नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में देखिएगा, ये हमारा लेफ्ट कॉर्नर है, इधर सप्लाई 5 की है, डिमांड है 15 की। यहाँ आप 5 दे दीजिएगा, यहाँ से ये सप्लाई कट जाती है और डिमांड 15 में से घट करके रह जाती है 10। अब ये मेरी रो हट जाती है। अब देखिएगा, अब नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में यहाँ है, अब ये वाला मेरा नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर हुआ, इधर 15 और इधर 10 है, आप सप्लाई दे दीजिएगा 10 की, इधर से 10 कट जाता है और 15 में से 10 जाते हैं तो बच जाता है 5। अब मेरी ये कॉलम हट जाता है। अब देखिएगा, 2x2 की टेबल बची हुई है, अब ये मेरा कॉर्नर नॉर्थ वेस्ट है, इधर 5 है और इधर 6 है, आप 5 दे दीजिएगा इधर से सप्लाई में से, यहाँ डिमांड में से 5 चले जाएंगे तो 1 बचेगा, अब ये आपका रो कट जाती है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर, अब एक ही रो बची हुई ना, अब सीधे सीधे देखिएगा, 1 यहाँ डाल दीजिएगा, 8 यहाँ डाल दीजिएगा, सीधे सीधे 9 हो जाएगा, तो ये 1 हो जाता है और ये 8 हो जाता है, ये 8 कैंसिल हो गया, 1 कैंसिल हो गया और 9 कैंसिल हो गया। अब देखिएगा, यहाँ से जो ये है हमारी इनिशियल फिजिबल कॉस्ट, IFC इनिशियल फिजिबल कॉस्ट इज इक्वल टू, देखिएगा आपकी कितनी आएगी, 7×5 35 हो गया, 35 हो गया और 60 हो गया, और प्लस 5×8 40 हो गया, प्लस 9 हो गया और प्लस हो गया 0। ठीक है ना, ये हो गया आपका, तो ये हो गया आपके 95, 9 और 5 14 का 4 हासिल लगा, 1 4 और 1 5 6 11 और 3 14। देखिएगा, अब इनिशियल फिजिबल कॉस्ट जो आई है कितनी आई है, 144 रुपये। ध्यान रखना, मैंने नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल लगाया है तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल से जो आंसर आता है वो बहुत दूर से आता है, तो ये सॉल्यूशन एकदम नहीं देगा, ये सॉल्यूशन देने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब इसके सॉल्यूशन को देखने में बहुत सारी चीज़ें सीख जाएंगे। अब ये मिक्स सवाल मैं कर रहा हूँ जिसमें सारे मेथड अप्लाई हो जाएंगे। देखिएगा, जो हमारा नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से फिजिबल सॉल्यूशन आया है उसमें नंबर ऑफ रोज 3 है, नंबर ऑफ कॉलम 3 है, m प्लस n माइनस 1 करेंगे तो 5 आएगा, एलोकेशन गिन लीजिएगा 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 नंबर ऑफ एलोकेशन है, तो ये है हमारा केस ऑफ नॉन डीजनरेसी। हम नॉन डीजनरेसी तो UI और VG निकाल देते हैं, एक एलोकेशन है, दो एलोकेशन है, दो एलोकेशन है, दो एलोकेशन है, दो एलोकेशन है, इधर एक एलोकेशन है। आपको सिखाया गया था जीरो से स्टार्ट करना है, UI और VJ में से किसी एक को जीरो सेलेक्ट करना है। अब लेकिन बस शर्त यह है, जीरो आप वहाँ लेंगे जहाँ एलोकेशन की संख्या सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ एलोकेशन की संख्या मैक्सिमम 2 बैठ रही है, दूसरी रो में है, तीसरी रो में है, पहले कॉलम में है, दूसरे कॉलम में है, इन 4 जगह में से कहीं भी मैं जीरो ले सकता हूँ। अब सपोज कर लीजिएगा मैं यहाँ पर जीरो मान लेता हूँ, अब आप 6 में से 0 घटाएंगे तो 6 हो जाएगा, 7 में से 0 घटाएंगे तो 7 हो जाएगा, 8 में से 6 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा, 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 हो जाएगा, 0 में से 7 घटाएंगे तो माइनस का 7 हो जाएगा। अब अनएलोकेटेड सेल में चल के कैलकुलेशन करिएगा, 2 और 7 9 हो गया, 4 में से 9 घटाएंगे तो माइनस का 5 आ जाएगा, माइनस 7 और 7 को जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा, 0 में 0 गया 0 हो गया, माइनस का 7 है और 6 है, यहाँ माइनस का 1 आ जाएगा, यहाँ प्लस का 1 आ जाएगा, यहाँ 0 है और यहाँ 7 है तो बेटा यहाँ 7 हो जाएगा, 3 में से 7 जाएंगे तो माइनस का 4 हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पर, एक तो D22 इक्वल टू माइनस 5 लेस देन 0 है
और दूसरा डी 31 इज इक्वल टू माइनस 4 लेस देन 0 है। सॉल्यूशन इज नॉट ऑप्टिमल। अब दो जगह डी की वैल्यू 0 आई है तो यहाँ पर सॉल्यूशन ऑप्टिमल नहीं है। अब ऑप्टिमल सॉल्यूशन बनाने के लिए मुझे लोकेशन ढूंढनी पड़ेगी, एलोकेशन का दोबारा निर्धारण करना पड़ेगा, जिसे मुझे लूप बनाना होगा, जैसे कि कल की वीडियो में भी था। लूप बनाने की शुरुआत कहाँ से करनी है, जहाँ पर माइनस आया है। अब देखिएगा दो सेल में माइनस है, या तो लूप बनाने की शुरुआत यहाँ से करिएगा या लूप बनाने की शुरुआत आप यहाँ से करिएगा। देखिएगा दोनों जगह आपका लूप है, आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ से आप लूप बनाना शुरू करते हैं तो यहाँ से यहाँ जाएंगे, यहाँ से यहाँ जाएंगे और यहाँ से यहाँ जाएंगे, ठीक है ना। एक पॉसिबिलिटी ये है कि अगर आप यहाँ से लूप बनाना शुरू करते हैं तो यहाँ जाएंगे और यहाँ जाएंगे। देखिएगा आप कोई सा भी चूज कर सकते हैं, ऐसा कोई रूल नहीं होता कि आप किसे लेते हैं, बस शर्त यह है कि आपका रूल आ जाना, लूप बन जाना चाहिए। आप देखिएगा ये लूप यहाँ से लेना शुरू करता हूँ मैं, यहाँ जाता हूँ, यहाँ जाता हूँ, फिर यहाँ जाता हूँ और फिर लौट करके यहाँ आ जाता हूँ। जिस सेल से लूप की स्टार्टिंग हुई है वहाँ आपको प्लस थीटा डालना है, यहाँ माइनस थीटा, यहाँ प्लस थीटा और यहाँ माइनस थीटा, अल्टरनेटिवली प्लस माइनस आएंगे। अब माइनस थीटा वाली वैल्यू में से आपको मिनिमम देखना है, देखिएगा यहाँ भी 5 माइनस थीटा है, यहाँ भी 5 माइनस थीटा है, तो मिनिमम वैल्यू दोनों सेम बन रही है, तो आप करेंगे वी टेक थीटा इज इक्वल टू 5। जब मैं थीटा की वैल्यू 5 डालूंगा तो यहाँ 5 एलोकेशन आ जाएगी, 5 में से 5 गया 0 हो जाएगा, यहाँ से एलोकेशन गायब हो जाएगी, यहाँ 5 में से 5 जाएगा 0 हो जाएगा, यहाँ एलोकेशन गायब हो जाएगी, एकदम से 5 15 हो जाएगा। देखिएगा दो जगह 0 बन रहा है, तो यानी कि एलोकेशन की संख्या ये कम होने वाली है, तो केस ऑफ अब डी जनरेसी बन जाएगा, आपको ज़रूरत पड़ेगी डेल्टा की। अब देखिएगा तीन रो है आपके पास, तीन कॉलम है, जब आप एम प्लस एन माइनस वन करेंगे तो 5 आएगा ना, लेकिन एलोकेशन देखिएगा आपके पास 4 है, एक एलोकेशन की कमी होने वाली है। एक एलोकेशन की जब कमी हो जाएगी तो कल की वीडियो में दिखाया गया था कि उसमें आप एक डेल्टा इंट्रोड्यूस करेंगे, और डेल्टा कुछ नहीं होता, डेल्टा सिर्फ एक टेक्निक होती है जो UIL BJ को कैलकुलेट कर लेती है। देखिएगा डेल्टा आप बाद में भी डाल सकते हैं, पहले आप जितने UIL BJ निकल सकते हैं उनकी ट्राई करिएगा। अब देखिएगा सिंगल सिंगल डबल, यहाँ डबल एलोकेशन है, यहाँ सिंगल एलोकेशन है, तो सबसे पहले आप डबल एलोकेशन में जाकर के कहीं 0 चूज कर लीजिएगा। सपोज कर लीजिएगा मैं 0 यहाँ मानता हूँ, यहाँ मैं 0 ले लेता हूँ, 9 में से 0 जाता है तो 9 बच जाता है, 0 में से 9 जाता है तो माइनस का 9 बच जाता है। देखिएगा मेरे सामने आगे जाने का कोई रास्ता नहीं है, इस एलोकेशन के सामने की जगह खाली है तो नीचे की भी खाली है, इस एलोकेशन के सामने की जगह खाली है तो नीचे की जगह खाली है। अब देखिएगा डेल्टा में डालने वाला हूँ, अब मेरी एलोकेशन जो है जिससे कि पूरी हो जाए। अब देखिएगा सपोज कर लीजिएगा मैं डेल्टा यहाँ चूज करता हूँ, यहाँ मैंने डेल्टा डाला, अब मेरे पास सामने का नंबर मिला हुआ है, 3 में से 9 जाएंगे तो ये मेरा माइनस का 6 हो जाएगा, 6 में से मेरे माइनस के 6 कटेंगे तो ये मेरा 12 हो जाएगा। अब देखिएगा 4 में से यहाँ 0 जाएंगे तो यहाँ मेरा 4 हो जाएगा, ठीक है ना। आप देखिएगा आप अनऑक्युपाइड सेल में चलते हैं, 4 और माइनस 6 को आप जोड़ेंगे तो ये माइनस का 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 हो जाएगा, माइनस 9 और 4 को जोड़ेंगे तो माइनस 5 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, 0 और 12 को जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा, यहाँ माइनस का 4 हो जाएगा, माइनस 9 और 12 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ माइनस का 3 हो जाएगा। देखिएगा दो जगह फिर माइनस आ चुका है, ठीक है ना, दो जगह फिर क्या आ चुका है, माइनस आ चुका है। अब इस माइनस के लिए और इस माइनस के लिए आप दोनों में से किसी एक जगह लूप बनाते हैं, ठीक है, दोनों में से किसी एक माइनस के लिए आप लूप बनाते हैं। अब आपको कोशिश ये करनी है, देखिएगा लूप कहाँ से बन रहा है, अगर मैं यहाँ माइनस से जाता हूँ तो यहाँ जाऊँगा, यहाँ जाऊँगा, लेकिन देखिएगा ऊपर जाने का रास्ता नहीं है, यहाँ पर देखिएगा लूप बन सकता है, यहाँ से यहाँ जाता हूँ मैं, यहाँ जाता हूँ, यहाँ जाता हूँ। बस लूप बनाते समय एक बात का ध्यान रखना, अगर लूप बनाते समय एक बात का ध्यान रखना है कि लूप पर अगर डेल्टा आ गया तो ध्यान रखना डेल्टा 0 की तरह से है, उस पर माइनस थीटा नहीं होना चाहिए। देखिएगा मैं यहाँ से लूप बनाना शुरू करता हूँ, ये लूप बनाता हूँ, यहाँ निगेटिव आया था, यहाँ प्लस थीटा, यहाँ माइनस थीटा और यहाँ प्लस थीटा और यहाँ माइनस थीटा। अब यहाँ पर एक बात का विशेष रूप से गौर फरमा लेना,
अगर लूप डेल्टा पर आ जाता है तो यहाँ पर किसी भी हालत में डेल्टा के साथ माइनस थीटा नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ माइनस थीटा आ जाता है तो आपकी वैल्यू गलत हो जाती है। अब यहाँ 15 माइनस थीटा है, यहाँ 1 माइनस थीटा है, तो मैं लूँगा मिनिमम 1 माइनस थीटा, 15 माइनस थीटा इक्वल टू 0, 1 माइनस थीटा इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू 1। अब यहाँ देखिएगा अगली टेबल में आपको 15 की जगह 14 दिखाई देगा, यहाँ थीटा की जगह 1 हो जाएगी, यहाँ से एलोकेशन गायब हो जाएगी और यहाँ पर डेल्टा की जगह 1 आ जाएगा। देखिए यहाँ एन प्लस एन माइनस वन की वैल्यू फिर 5 है तो एलोकेशन भी 5 है। केस ऑफ नॉन डिजनरेसी है, डेल्टा की कोई आवश्यकता नहीं है। डेल्टा ध्यान रखिएगा किसी भी टेबल में आ भी सकता है और जा भी सकता है। आप देखिएगा सबसे ज्यादा एलोकेशन सेकंड रो में है। आप यहाँ 0 सेलेक्ट करिएगा, 0 में से 0 गया 0, 8 में से 0 गया 8, 6 में से 0 गया 6, 3 में से 6 घटेंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा। अब यहाँ 4 में से 8 घटेंगे तो माइनस का 4 आ जाएगा। अब अनऑक्युपाइड सेल में चलिएगा, 6 और माइनस 4 का टोटल हुआ 2, 7 में से 2 गए 5, यहाँ 0 और माइनस 4 का टोटल माइनस 4 हुआ, घटाएंगे तो ये आ जाएगा 4। अब यहाँ देखिएगा 8 में से 3 घटेंगे तो 5, 9 में से 5 जाएगा तो 4, 0 में से माइनस 3 जोड़ेंगे तो माइनस का 3 आएगा, घटाएंगे तो 3 आ जाएगा। अब देखिएगा ऑल डी आई जे ग्रेटर देन 0, अब शर्त बन गई हमारी सॉल्यूशन इज ऑप्टिमल। अब आपका आ गया ऑप्टिमल सॉल्यूशन इज मिनिमाइज जेड इक्वल टू, यहाँ से देख लीजिएगा यहाँ 4 पंजे 20 रुपये हो गए, यहाँ 6 36 रुपये हो गए, प्लस यहाँ 8 रुपये हो गए, यहाँ 0 हो गया और यहाँ हो गया 3 27, 7 और 8 15 और 6 21 का एक हासिल लगे 2 2 2, 4 और 3 7 और 2 9, यानी कि इस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम की जो कॉस्ट थी 91 थी। अब देखिएगा नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से कितनी ज़्यादा आई थी, अब ये ध्यान रखिएगा ये जानबूझ कर ये सवाल मैंने लंबा करा है। सवाल तो मैं दो टेबल में भी कर देता लेकिन जानबूझ करके मैंने इस सवाल को लंबा करा है, क्योंकि गलत करते हैं तो सवाल का आंसर देर से आता है और हमारे सारे मेथड सीखने के लिए मिल जाते हैं। इसमें देखिएगा केस ऑफ नॉन डिजनरेसी भी आ गया, केस ऑफ डिजनरेसी भी आ गया, दो बार तीन बार इसमें मैंने लूप भी बना दिए, एक बार डेल्टा इंट्रोड्यूस हो गया, अगली बार डेल्टा गायब भी हो गया। तो इस क्वेश्चन को इतना लंबा करने का पर्पज़ मेरा सिर्फ एक ही था कि आप ज़्यादा से ज़्यादा डेल्टा और इसका प्रॉब्लम सीख सकें कि लूप किस तरह से बनने हैं और किस तरह से माइनस हटने हैं।